स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो पर जिसका नाम है एस्टिमेशन। मैं कुछ दो महीने से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा था। अब मैं पूरा फिट एंड फाइन हूँ, अब नया वीडियो लेकर आया हूँ एस्टिमेशन। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, उसका मैं ताला हमेशा खोल कर रखता हूँ, इसलिए आप लोग कुछ सुझाव दे सकते हैं कि कैसा वीडियो बन रहा है, इसमें क्या गलती है और कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ये आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन जो ये रहेगा ना 56 रहेगा, और क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा नियरेस्ट टेन का 56 कीजिए। तो इसको करने के लिए नियरेस्ट मतलब होता है आसपास होता है, यानी 10 का आसपास 56 का नियरेस्ट 10 करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। मैंने लाइन खींचा, ये यहाँ एंडिंग पॉइंट दिया, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 50 और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 60। अब ये 50 और 60 के बीच में 56 आता है। अब इस दोनों का आधा कर देंगे तो यहाँ पर ये आधा हो गया, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 55। तो 56 है तो यहाँ पर एक और लाइन देंगे 56। अब ये जो 56 है ये 60 के घर जाएगा या 50 के घर जाएगा तो जल्दी पहुँचेगा। सिंपल है, 56 60 के घर जाएगा तो जल्दी पहुँचेगा, तो इसलिए यहाँ का हो जाए 56 का नियरेस्ट 10 हो जाएगा 60। नहीं समझ आया तो एक और तरीका से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तरीका यह है कि यह जो 56 है, ये 56 करने के लिए वंस प्लस हम लोग देखेंगे। वंस प्लस है 6, ये जो वंस प्लस है 6, जैसे ये वंस प्लस 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, वंस 6 5 से ज़्यादा है, तो इसको करने के लिए हम लोग को ये जो 6 है ये 0 में बदल जाएगा और ये जो है प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा 6, आप लोग का आंसर आ जाएगा 60 और ये भी 60। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं, ये 56 है, अब हम लोग 52 55 रहेगा, 57 रहेगा, तब कैसे बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये जो ये तो 55 से ज़्यादा है और ये तो 55 है, 52 इससे तो कम है, इससे कम तो मैंने सिखाया नहीं, इसलिए देखते हैं कि अगले वीडियो में कि कैसे बनेगा। अब 72 है, ये 75 से कम है, तो इसको करने के लिए हम लोग वंस प्लस देखेंगे। वंस प्लस 5 से कम है, अब ये 5 से कम है तो ये 0 का 0 रह जाएगा, मतलब कि 2 का 0 हो जाएगा, और ये 7 जो है ये 7 का 7 रह जाएगा, 1 प्लस नहीं होगा, इसका हो जाएगा 70। इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं नियरेस्ट 100 आएगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब करेंगे क्या, नियरेस्ट 100 है तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको दो डिजिट देखेंगे। ये जो दो डिजिट 44 है ये 50 से कम है, जैसे ही 50 से कम है तो ये बदल जाएगा, ये दोनों 0 में बदल जाएगा और ये भी 40 में बदल जाएगा। अब ये 1 जो है इसका ना प्लस होगा ना माइनस होगा, रह जाएगा और ये 20 यहाँ पर आ जाएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा 100, यानी 100। इसी प्रकार नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10000, नियरेस्ट लाख करोड़ ऐसा ही बनेगा। तो अब मैंने अपना काम तो कर दिया, एस्टिमेशन आप लोगों को समझा दिया, अब आप लोगों का काम है यही है कि आप लोग LSS करना, यानी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। दबा के लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।